नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। सीएसपी ने दिखाया टशन तो अपराधियों में मची भगदड़, नशाखोरी करते करीब एक दर्जन युवक पकड़ाए। एसपी विवेक सिंह के निर्देश में आज सिटी एसपी नवीन तिवारी, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रूपलाल उइके व थाना स्टाफ के साथ मिलकर आज कोतवाली थाना अंतर्गत भ्रमण किया। इस दौरान मिले मुखबिर की सूचना के बाद अस्पताल चौराहे के पास व सब्जी मंडी में रेड मार कर नशाखोरी करते हुए करीब एक दर्जन नवयुवकों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब भी जब्त की। पकड़े गए युवकों को पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में निकलने वाली जानकारी और उनके रिकॉर्ड जाँच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। असल में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सीएसपी शहर के साथ में हम रहा कि जो ऐसे जहां पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नशाखोरी करते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर वहां पे दबिश दी गई और लगातार ये कार्यवाही जारी रहेगी। जो जो पकड़ में आ रहे हैं उनको पकड़ के और तस्दीक कर रहे हैं, पूछताछ हो रही है उनसे। हाँ, लगातार जारी रहेगी ये मुहिम, जो है धरपकड़ अभियान चालू रहेगा। अभी कितने लोगों को पकड़े हैं? अभी करीब 8 से 10 लोगों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ की जा रही है और जब पूछताछ के बाद में उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या करते पाए गए? जमा जैसे मोहल्ले में इकट्ठे होके सुनसान इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे कोई भी अपराध घटित होने की संभावनाएं रहती है, जैसे चाकूबाजी या कुछ भी, और जिनको फिजिकली चेक भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार के कोई हथियार उनके पास ना हो। अब पूछताछ के उपरांत में जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी वो की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीवी न्यूज़।